नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। हल्ला बोल पोल खोल राज्य सरकार के खिलाफ भाजपाइयों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर भाजपाई हुए गोलबंद। बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर से 8 नवम्बर को विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इधर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा, रामरतन राम, मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम, मित नारायण वर्मा, संदीप गुप्ता आदि ने कहा कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, गरीब त्राहिमाम कर रहा है, राज्य सरकार से जनता दुखी है। इसी को लेकर 8 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कोडरमा सांसद, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं भाजपाई, तो फिर आप बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पहले से मालूम है और मैं भी कुछ संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं जी, कि सरकार की जो काली करतूत है, त्राही माँ जनता झारखंड की कर रही है, इसकी कथनी और करनी में आसमान और जमीन की फर्क है। इस बात को लेकर के हल्ला बोल पोल खोल भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित की है, वो प्रदेश के नेतृत्व के आधार पर, और ऐसे भी हम लोग करते ही जनता त्राही माँ कर रही है तो हम लोग विस्तृत रूप से कल बताएंगे, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, चाहे जो भी सरकार के अधीन नस्त कर्मचारी पदाधिकारी है, सभी लोग भ्रष्टाचार में, मैंने क्या उसको बोलते हैं, नाक से ऊपर हो चुका है। लोग काफी, यहाँ के लोग डरे सहमे और त्राही माँ महसूस कर रहे हैं। उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी विशाल प्रदर्शन करने जा रही है सरकार के विरोध में, जनता को जगाने के लिए। और ये झारखंड सरकार को जब तक उखाड़ के झारखंड की जनता ने फिर जैसे बैठाया वैसे उखाड़ के जब तक फेंक नहीं देती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रहेगी और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे निकम्मी और बेकार सरकार को हम लोग झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कार्यक्रम है कल, बताएंगे उसके बारे में। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में जो हेमंत सोरेन सरकार की जन विरोधी नीतियों, भय भूख भ्रष्टाचार और जन तुष्टिकरण का नीति जो अपना रही है, इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है, और इनको हटाने के लिए हेमंत सोरेन को हटाओ और झारखंड को बचाओ, यही नीति के साथ कल हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसीलिए हम तमाम कार्यकर्ताओं तथा सभी आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में बेंगावत पहुँचे और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में सहयोग करें। जी बताइएगा कल के कार्यक्रम के बारे में। बेंगाबाद प्रखंड के तमाम जनता से भारतीय जनता पार्टी पुरजोर अपील करती है कि झारखंड प्रदेश के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुख्य प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जो राशन जो दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, उसे गबन करने के खिलाफ में प्रखंड मुख्यालय में 8 तारीख को, दिन मंगलवार को आप पहुंचे, झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूर्व बाबूलाल मरांडी यहां उपस्थित रहेंगे, वो अपने वक्तव्य को सुने और लाभ उठाएं। जी महेंद्र जी, बताएंगे कल के कार्यक्रम के बारे में। कल दिनांक 8 नवंबर 2022 को झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, माननीय लोकसभा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुमार राय जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिला के सभी अधिकारी इस महाधरना में शामिल रहेंगे। हम बेंगाबाद प्रखंड के तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और महाधरना कार्यक्रम को सफल बनावें और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करें।
जय हिंद जय भारत। संदीप जी बताएंगे कल के कार्यक्रम के बारे में। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बेंगाबाद आ रहे हैं। ये झारखंड सरकार में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ब्लॉक रहे चाहे अंचल रहे, जितने भी यहाँ पर है अंचल में तो खाली जमीन माफिया का काम होता है। अब लोग में एक एक गाय सेट बकरी सेट जो है 15,000 में यहाँ का वीडियो बेचने का काम करा, इसी के खिलाफ जनता और थाना में दलाल हावी है। इसीलिए कल पूरे प्रदेश में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भाजपा का कार्यक्रम कर रही है, हल्ला बोल और पोल खोल कार्यक्रम कर रही है। जी बताएंगे कल के कार्यक्रम के बारे में। कल का पूरे झारखंड में 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक पूरे झारखंड में हल्ला बोल का कार्यक्रम प्रदेश से किया गया है। उसमें हम लोग कल 8 तारीख को जो है हजारों की आबादी में आकर के पहुंचेंगे और ये झारखंड सरकार की जो कूटनीति है, भ्रष्टाचार है, उसके विरोध में हम लोग रखे हुए हैं। धन्यवाद। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।